हेलो स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन नंबर सेवन द एल्व्स एंड द सू में करके आंसर इन डिटेल्स करेंगे इनसे पहले हमने कंप्लीट सेंटेंसेस जो ब्लैंक्स थी ये जो ब्लैंक्स थी वो हमने कर ली है कर ली है ना तो अभी हम करेंगे आंसर इन डिटेल्स ठीक है तो आंसर इन डिटेल्स पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं ठीक है ठीक से समझना है और इसके आंसर याद रखने हैं ओके फर्स्ट क्वेश्चन दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज वोट कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज हमारे लेसन में एक लाइन आ रही है दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज कि ये बहुत दिनों तक चलता रहा तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या बहुत दिनों तक चलता रहा ठीक है तो आंसर है बोरिस कट लेदर एंड लेफ्ट इट ऑन द टेबल बोरिस जो है वो कुछ लेदर कट करके टेबल पे रख देता था द नेक्स्ट डे देर वर न्यू शूज़ ऑन द टेबल और नेक्स्ट डे क्या होता था कि वहाँ पर न्यू शूज़ होते थे तो दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज ये जो है कि बोरीज लैदर कट करके टेबल पर रखता था और दूसरे दिन शूज़ होता था टेबल पर ये जो प्रसंग है ये जो घटना है वो बहुत दिनों तक चली नंबर टू वाई डिड बोरीस एंड एमा हाइट बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप बोरिस और एमा जो है वो वर्कशॉप में डोर के पीछे क्यों छिप गए द आंसर इज बोरिस एंड एमा हिट बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप इतनी जो चीज़ है ना वर्कशॉप तक वो हमारे क्वेश्चन से ही है। आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बड़ा है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिकॉज़ से शुरू हो रहा है ये जो है बोरीज एन एमा से लेके वर्कशॉप तक ये क्वेश्चन का ही है देखो बोरीज एन एमा हाइड यहाँ हाइड है यहाँ हिड डिड का हिड ये डिड मतलब पास्ट फॉर्म में है तो हमने हाइड का हिड किया बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप यहाँ तक सेम है फिर है बिकॉज यहाँ से आंसर है They wanted to find out who made the shoes. वे चाहते थे कि वो ढूंढ सके कि ये शूज़ कौन बना रहा है इसलिए वे लोग वर्कशॉप में डोर के पीछे छिप गए नंबर थ्री वोट डिड बोरिस एंड एमा सी फ्रॉम देर हाइडिंग प्लेस छिपने की जगह से बोरिस और हेम ऐमा ने क्या देखा The answer is Boris and Emma show that two little elves jumped in through the window. Boris and Emma ने क्या देखा उन्होंने देखा कि two little elves, दो magical creatures window से अंदर आए Soon, तुरंत they made shoes and jumped out. तुरंत उन्होंने shoes बना दिए और बाहर चले गए Number फोर We must do something for these helpful elves. हमें ये helpful elves के लिए कुछ करना चाहिए। इसमें A section है। Who is the speaker? ये बोलने वाला कौन है? The answer is Emma is the speaker. B o, B section। Who does we refer to? We किसको refer कर रहा है? यहाँ बोल रहे हैं कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए लेकिन यहाँ कौन तो वी रेफर्स टू बोरीज एंड एमा सी वट डिड दे डू फॉर द हेल्पफुल एल्व्स उन्होंने हेल्पफुल एल्व्स के लिए क्या किया द आंसर इज दे मेड न्यू क्लॉथ्स एंड शूज फॉर द हेल्पफुल एल्व्स उन्होंने नए कपड़े बनाए और जूते बनाए हेल्पफुल एल्ब्स के लिए जो मैजिकल क्रिएचर्स थे उनके लिए उन्होंने नए कपड़े और शूज बना है ठीक है तो ये आपका वर्क है आपको आपकी नोटबुक में सी डब्ल्यू पार्ट में लिखना है अच्छी हैंड राइटिंग से ठीक है कॉर्नर में आपको डेट और डे लिखनी है उसके बाद फर्स्ट लाइन में आंसर इन डिटेल्स उसके बाद आपको ये सारा वर्क लिखना है ठीक है